इंदौर में पिछले दिनों वाटर ऑडिट टीम ने आकर घरेलू और व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होने वाले बोरिंगों का औचक निरीक्षण कर वाटर ऑडिट किया था। ऑडिट के दौरान 37 बड़े व्यावसायिक संस्थान ऐसे मिले थे जिनमें बोरिंग अनुमति के तहत नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इनमें सुपर कॉरिडोर पर बन रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम भी शामिल था। कंपनी द्वारा 3 बोरिंग कराए गए थे जिसमें से फिलहाल 1 बोरिंग का उपयोग किया जा रहा है। वाटर ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम को बोरिंग के संचालन के दौरान नियमों का पालन होते नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर ऑडिट टीम की आपत्ति के बाद जब TCS की ओर से NOC के लिए आवेदन किया गया तो बोर्ड द्वारा वाटर ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को पहले सेंट्रल अंडरग्राउंड ऑडिट अथॉरिटी से NOC लाने को कहा गया। वहीं इस मामले को लेकर TCS कंपनी के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ADM अजय देव शर्मा से चर्चा की गई। हालांकि ADM द्वारा अधिकारियों को सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के दफ्तर से ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की बात कही गई। ADM अजय देव शर्मा ने बताया कि वाटर ऑडिट में नियमों का पूरी तरह से पालन न करने वाली कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी नाम शामिल है। नए नियमों के तहत बोरिंग में 5 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर की मोटर नहीं लगाई जा सकती। वहीं कमर्शियल बोरिंग में पानी की खपत मापने के लिए मीटर लगाए होना अनिवार्य किया गया। ऐसे में बोरिंग की अनुमति लेने वाले संस्थानों से सख्ती से नियमों का पालन करने की बात भी ADM ने कही। ये जो विषय है, इस विषय को यदि समग्र रूप में देखेंगे तो जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा जनरल एंड सोशल ऑडिट भी होता है। जनरल एंड सोशल ऑडिट में जो ऑडिट किया गया है अदर देन हाउस होल्ड बोरिंग का, कॉमर्शियल बोरिंग या अन्य बड़े प्रतिष्ठानों के जो बोरिंग है उनके संबंध में नगर निगम की टीम के साथ, PHE की टीम के साथ जो ऑडिट टीम है उन्होंने निरीक्षण किया था, तो 37 मामलों में ऐसा पाया गया कि जो नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, आंशिक रूप में पालन किया गया। 37 केसेस के बारे में उन्होंने पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये मामला भी लगभग उसी से संबंधित है। अब चूंकि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाएंगे या हमारे पास अब जो नए मामले आ रहे हैं उनमें तो हम जो ऑडिट ने रिपोर्ट दिया है उनका नॉर्म्स को फॉलो कराएंगे ही। इसमें विशेष रूप से उन्होंने ये कहा है कि 150 डायमीटर से ज़्यादा मिलीमीटर से ज़्यादा डाया नहीं होना चाहिए, 5 हॉर्स पावर से अधिक की मोटर नहीं होना चाहिए और उसमें कॉमर्शियल या इस तरह के जो बल्क यूज़ हो रहे हैं उसमें मीटर आवश्यक रूप से लगे जिससे कि ये पता चले कि कितने पानी का उपयोग इनके द्वारा किया गया है। मोटे तौर पर जो NOC है, जब NOC जारी होती है तो उसको 6 मंथ्स की परिसीमा है, यदि 6 मंथ्स में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के भी जो इनके द्वारा बताया गया कि 3 बोरिंग इनके पास हैं जिसमें से 1 प्रचलन में है, जब ये MP के प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास NOC के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का भी NOC लाएं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पानी के समुचित और सदुपयोगी रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना है। जो ऑडिट की रिपोर्ट है उसको हम अक्षरशः लागू करेंगे और जो 37 मामले आए हैं उन मामलों को चिन्हित करते हुए उनमें जो अनुपालन कराया जाना है वो PHE और संबंधित विभागों के माध्यम से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए।